प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, देखिए कैसा लग रहा है। बिल्कुल मेरे जैसा भोला वाला मासूम। अरे ये बंदर है। तुम्हारे जैसा लग रहा है। अंजलि प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख रहा हूँ। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी पे का आर्टिकल लिख रहा हूँ। क्या एक्टर थे साहब, पूछिए मत। मेरे आर्टिकल का शीर्षक क्या मालूम है? आनंद का सफर। अरे वाह तारक, फिर तो आप ये आर्टिकल सबसे पहले मुझे पढ़ने के लिए देना। आपको पता है ना, मैं राजेश खन्ना जी की कितनी बड़ी फैन हूँ। अरे काका का इस दुनिया में कौन फैन नहीं है रे। लेकिन अभी एक कप कॉफी पिला दो पुष्पा। पुष्पा नहीं अंजलि। अरे भाई राजेश खन्ना जी पे आर्टिकल लिख रहा हूँ ना, तो वैसा फील आ रहा है। अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए आइए पोपटलाल जी। नमस्ते नमस्ते अंजलि भाभी। भाई मेहता साहब, आपने जैसे बताया था राजेश खन्ना जी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी लेकर आया हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपटलाल। आप बैठिए, मैं आपके लिए भी अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे मेहता साहब, जिस तरह से अंजलि भाभी खुश लग रही है, उसे तो लग रहा है कि उन्हें हमारे नो एंट्री कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता चला। क्या कर रहे हो यार, धीरे बोलो ना, अभी पता चल गया तो। मेहता साहब, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया भिड़े, मेंटेनेंस का चेक टाइम पे तो भिजवा दिया था। मेंटेनेंस? मेहता साहब, हमारा रिश्ता सिर्फ मेंटेनेंस तक ही सीमित है। अरे आप लोग पार्टी करने गए, मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई भिड़े, तुझे किसने बताया? मुझे सोड़ी ने सब बता दिया है। अरे अकेले अकेले पार्टी करने गए? अरे अभी तो चुप रहे भाई, मरवाएगा अंजलि ने सुन लिया तो। अरे इसलिए तो आया हूँ, उनको बता नहीं आया हूँ। वो कहाँ है अंजलि भाभी? देखो भिड़े, देखो पार्टी में हम लोग गए और डॉक्टर हाथी और तुम नहीं चले, उसके पीछे एक रीजन है। डॉक्टर हाथी के घर पेशेंट्स थे और मैंने तुम्हें खुद फोन किया है, तुम्हारा कॉल वेटिंग पे आ रहा था फोन। अरे तो आप दोबारा फोन कर सकते थे ना। अरे दूसरी बार कैसे करते यार, कैसे बहाने करके तो मैं घर से निकला हूँ। और एक बात बताओ भेड़े, तुम पार्टी में नहीं चले तो क्या हुआ? हम लोग गए थे, हमारी कैसी बैंड बजी है देखो। है क्या बैंड बजी? नहीं है बैंड तो, अभी बजने वाली है। मैं अंजलि भाभी को सब बताने वाला हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? कहाँ बैठे हो पोपटलाल? थैंक यू। क्या क्या बताओगे भिड़े अंजलि को? अंजलि भाभी आपको पता है क्या, ये लोग मुझे लिए बगैर मंदिर में प्रवचन सुनने गए थे और वहां जाके पता चला प्रवचन कैंसिल है, क्योंकि प्रवचन करने वाले पापा एब्सेंट थे। हाँ, कैंसिल हो गया था। हो गया। तो भिड़े साहब को कॉफी पिलाइए। भिड़े साहब? हाँ भिड़े साहब, कॉफी लीजिए। अरे देवा, कॉफी नहीं नहीं, हर्बल नहीं, नॉर्मल है। अरे वाह, नॉर्मल नॉर्मल है। आपके लिए दूसरी लाती हूँ। दोस्तों तो ऐसा। हाँ लेकिन मेरी दोस्ती की कीमत एक कप कॉफी नहीं है। मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है मेहता साहब। अंजलि भाभी, अरे मेहता साहब के लिए भी कॉफी जल्दी लेकर आना। ओहो, आज तो चाय नाश्ता करके 10 मिनट पहले तैयार हो गया। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? बिल्ली बिल्ली बाबूजी बिल्ली। घर में बिल्ली कहाँ से आई? ओह
वो पैर पे गिरा तो मुझे लगा बिल्ली है। कौन? नैपकिन। नैपकिन तुझे बिल्ली लगी? और अगर असली बिल्ली भी होती तो कोई ऐसे थोड़ी डरता है। डरता है ना? कौन? मैं? तू तो पहले से ही है बिकन ससलू। क्या कर रही है तू? सॉरी क्या है सब? बिल्ली चींटी सब कहाँ से आ गए? क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी जरा 6 नंबर का पाना देंगे? मैं क्या मैकेनिक हूँ जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का पाना लेके घूमू और तू जब मांगे तब दे दू? नहीं नहीं वो पाना नहीं, पन्ना पन्ना। मैं क्या झवेरी हूँ? हीरा पन्ना वाली पन्ना नहीं है? अरे नहीं मतलब हीरा पन्ना वाला पन्ना नहीं, ये अखबार का पन्ना, 6 नंबर का पन्ना। क्या वो पहले पन्ने पर जो खबर छपी है ना उसकी बाकी की आधी खबर 6 नंबर के पन्ने पे छपी है इसलिए। ले एक काम कर, तू पहले पूरा पेपर पढ़ ले, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नहीं नहीं बाबूजी नहीं नहीं ले ले ले। नहीं नहीं आप पहले पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। क्या तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं नहीं जाना है ना, लेकिन आज का थोड़ा 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो सोचा बारिश का मौसम है एक आध कप अदरक वाली चाय पी के फिर निकलता हूँ। वाह थैंक यू बाबूजी। अरे दया हा? अरे एक मस्त अदरक वाली चाय बनाने जरा। हाँ हाँ बाबूजी आप पियेंगे? नहीं ठीक लाइए। ये अदरक वाली सीख टप्पू से कुछ सीख। टप्पू से? टप्पू आज 5 मिनट जल्दी तैयार हो गया तो 5 मिनट जल्दी ट्यूशन में पहुंच गया, और तू तू 10 मिनट जल्दी तैयार हो गया लेकिन तुझे 10 मिनट जल्दी दुकान में नहीं जाना है, अदरक वाली चाय पीनी है। ठीक है निकलता हूँ। बैठ अभी, चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। टप्पू ट्यूशन में लेट जाता है तो भिड़े सुनाता है, जल्दी जाता है तो बापू जी सुनाते है, मेरे नसीब में तो सुनना ही लिखा है। अभी यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना समझे, और सिर्फ खड़ा नहीं रहना है कान पकड़ के खड़ा रहना है, कान पकड़ो। बच्चों अगले हफ्ते टेस्ट है। हाँ किसके साथ? किसके साथ मतलब इंडिया के सामने कौन सी टीम?
ए छोटे सूढ़ी जी, मैं क्रिकेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम के टेस्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, और हाँ एक खास बात, जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मैं 2 घंटे के बजाय 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मतलब डबल फीस? बोल ले व्यापारी। नहीं नहीं, मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूंगा। मतलब भेड़ियांकर आप फ्री में ट्यूशन सिखाओगे? नहीं पिंकू, हम लोग भेड़ियांकर का नुकसान नहीं होने देंगे। भेड़ियांकर, अगर आपने फीस नहीं ली ना तो आचार पापड़ और चिवड़ा पैक करने में हम आपकी मदद करेंगे। फिर तो चिवड़ा पैक होने की जगह पे गोली के पेट में जाएगा। ये गोया, मैं रेगुलर फीस ही लूंगा, और अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछो। हाँ पाटलस माला, पूछो। भीड़ अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, तो लाइफ में भी परिवर्तन होना चाहिए ना। मतलब क्यों ना हम लोग इस टेस्ट में परिवर्तन करें? हम लोग पेपर बनाते हैं और आप टेस्ट दो। आवाज बंद, तू कान पकड़। ये गोया, पहले अपना वर्तन सुधारो, बाद में परिवर्तन के बारे में बोलना। किसी को और कोई सवाल है? भिड़े अंकल। अंकल नहीं सर, भिड़े। भिड़े सर। ओ सॉरी सॉरी, भिड़े सर एक सवाल पूछो। ढंग का सवाल है तो ही पूछना। सर गोगी की नजर में ढंग का ही होगा। सर ज्यादा समझदार कौन होते हैं, बच्चे या बड़े? बच्चे। ये कैसा सवाल है सर, आप जवाब दीजिए ना। बड़े समझदार होते हैं। तो बड़े दूध क्यों नहीं पीते हैं? हैं? मतलब दूध हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बच्चे ही समझदारी से दूध पीते हैं, बड़े क्यों नहीं पीते हैं? पॉइंट है सर। पॉइंट टू बी नोटेड। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो बेटा, बड़े भी दूध पीते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें चाय पत्ती और शक्कर मिलाते हैं। हाँ, अभी किसी और को कोई सवाल पूछना है तो मत पूछना, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछने वाला हूँ। सुंदर मामा, ए सुंदर मामा आ गए, सुंदर मामा आ गए। ए क्या? सर वो सुंदर मामा है। तुम्हें कैसे पता सुंदर मामा आए हैं? अरे सर ये जो स्पेशल हॉर्न है वो सुंदर मामा की टैक्सी का हॉर्न है। सर मैं प्लीज मामा को मिल के आऊं, प्लीज सर, प्लीज सिर्फ 2 मिनट आ जाऊंगा सर, प्लीज 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 सर प्लीज। ठीक है ठीक है, जाना लेकिन जल्दी वापस आना। कम ऑन फ्रेंड्स। क्या है क्या है क्या? चलो फ्रेंड्स, मतलब वो तुम्हारे मामा है ना? सर हमारे भी तो मामा है, हमारे भी मामा है। प्लीज प्लीज सर हमें भी जाने दो ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। हां हां 2 मिनट। सर अब भी चलिए ना, मजा आएगा। हां चलो। काय जेवण है तिकडे? आप भी चलो, मेरे मामा नहीं है वो, तुम लोग जाओ जल्दी वापस आना। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हां रख दे चल। दया मैं निकल रहा हूं। हे भगवान, मैं क्यों चाय पीने रुका? 10 मिनट जल्दी तैयार हो जाने के बावजूद भी दुकान जल्दी क्यों नहीं गया? बेना! 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 वीरा! वीरा रे! बेना रे! वीरा कैसे हो? मेरे एकदम मजे में हूँ। बापूजी कैसे हो? पाए लागू। हेलो माय डियर जीजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ रह गए? कम कम केटी, आओ अंदर आओ। आओ केटी, आओ आओ केटी। बेना ये है केटी। कट्टी, ये कैसे नाम है? कट्टी नहीं बेना, केटी केटी। मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, उसका नाम है सुपरस्टार मेकर प्राइवेट लिमिटेड। उसकी ये मैनेजर है केटी। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई सुंदर तो कितनी कंपनियां खोलता है भाई, अभी वो तूने बीच में कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी ना? चल रही है ना, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। देखो जीजा जी, मैं कंपनी खोलता हूँ, फिर टीम बनाता हूँ, और फिर टीम को कंपनी चलाने के लिए छोड़ देता हूँ। देखो जीजा जी,
मुझे कुएं का मेंढक बनकर रहना पसंद नहीं है, मुझे प्रगति पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहता। वाओ, ग्रेट सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बॉस हो। थैंक यू। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ आप भी नटू काका को ये दुकान का पूरा काम सौंप दीजिए और एक नई दुकान शुरू कीजिए और प्रगति कीजिए। शांति रखिए जरा आप। और भाई, आप मुझे बता सकते हैं आपकी नई कंपनी क्या करेगी? मेरी कंपनी नए लड़की लड़कियों को जिनको सुपरस्टार बनना है उनको डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलवाएगी। अरे उनकी करियर बना देगी, अरे उनकी जिंदगी बना देगी। हीरो, मैं तो कहती हूँ तुम्हें टप्पू को भी हीरो बनाना है। अरे बहना, माय डियर, टप्पू को बड़ा तो होने दो। अरे उसके लिए मैं खुद अपने पैसे लगा के फिल्म बनाऊंगा। अरे मेरे पास तो फाइनेंसर भी रेडी। थैंक यू हीरा, थैंक यू हीरो बने का टप्पू। अरे हाँ बहना, माय डियर भांजे टप्पू है का? मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या? थैली? नहीं, किटी, गिव मी प्लीज। ये ले टपोड़ा, ये फॉरेन की चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट? थैंक यू मामा। जल्दी कॉल, हाँ खाओ, खाओ। अरे खाओ, खाओ। गोले, शांति शांति बेटा, शांति मिलेगा, सबको मिलेगा, सब लोग लो, ले ले लो, ले लो, ये लो, ये लीजिए बापूजी, आप भी लीजिए, बहुत मजेदार है, लो बेटा तुम भी खाओ। थैंक यू हीरा। जीजाजी आप भी खाइए। अरे खाइए जीजाजी, ये तो शुगर फ्री है। अरे मुझे कहाँ डायबिटीज है। नहीं आपने मना किया तो मुझे लगा। मामा बहुत यम्मी चॉकलेट थी। हाँ टप्पू, बहुत मस्त चॉकलेट है। सुंदर मामा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ओए हाँ, बहुत अच्छी चॉकलेट है। मेरा मुंह में रखते ही पिघल गई। तू निगल गई होगी। नहीं नहीं, पिघल गई वो। मामा, हम लोग ट्यूशन क्लास आधा छोड़कर आए, हम लोग जाते हैं। ओके बाय बाय बाय, भिड़े भाई को भी मेरी याद देना। बाय भिड़े भाई, ओके चल 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 चलिए बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट जीजा जी। सॉरी सुंदर, आज मैं वो टैक्सी का भाड़ा नहीं दे पाऊंगा, आज मेरा व्रत है। कैसा व्रत? अरे वो क्या हुआ, बीच में एक महात्मा मिल गए तो मैंने उनको कुछ पूछा भी नहीं, सामने से वो बताने लगे, मुझे पूछने लगे आपका कोई साला है? मैंने बोला हाँ है। तो बोलने लगे आप उनका कभी पैसों की मदद मत करना। क्यों? हाँ मैंने भी पूछा क्यों, तो कहने लगे कि देखिए आप जितने पैसों की उनको मदद करेंगे उससे 5 गुना पैसों का नुकसान उनको होगा। अभी तो ही बता, सुंदर का नुकसान हो ऐसा कभी मैं सोच सकता हूँ? वाह महात्मा। मतलब कि वाह, क्या महात्मा जी है, बहुत ज्ञानी महात्मा जी लगते हैं। जीजा जी, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे जरा बताएंगे कि वो ज्ञानी महात्मा जी कहाँ बैठते हैं? उनकी क्या कोई ऐसा फिक्स बैठक नहीं है, वो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। मैंने भी उनसे उनका नाम नंबर पूछा तो मुझसे कहने लगे बेटा साधु तो चलता भला, कुछ है नहीं उनका कुछ कांटेक्ट कुछ। अच्छा। कुछ भी कर बेटा, आज मैं तुझे टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी, टैक्सी का भाड़ा आपसे लेने की जो परंपरा है वो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? टैक्सी का भाड़ा तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगा। चलिए बाबूजी, निकलता हूँ। ओ सुंदर भाई, अरे ये बॉक्स तो आप टैक्सी में भूल गए थे। हे भगवान, इतना बड़ा बॉक्स, मैं संत महात्मा तो नहीं लेकिन इतनी भविष्यवाणी जरूर कर सकता हूँ कि ये बॉक्स मेरे लिए जरूर मुसीबत का बॉक्स होगा।
मित्रों, जीजा और साली का जो रिश्ता होता है वो चुहलबाजी का, शरारतों का, हंसी मजाक का, खट्टा मीठा सा होता है। अगर मैं व्यंजनों के रूप में रिश्ते को देखूं तो जीजा साली का रिश्ता मान लीजिए रसगुल्ले की तरह, किसी मिठाई की तरह, लेकिन जीजा और साले का रिश्ता वो इतना खट्टा मीठा नहीं होता साहब, वो तो थोड़ा सा तीखा होता है, मान लीजिए मिर्ची के पकौड़ों की तरह। लेकिन जो हमारे परम मित्र जेठालाल है, उनका और उनके साले सुंदर का रिश्ता तो ऐसा है जैसे कोई तीखी चटनी हो, ऐसी चटनी जो जेठालाल की आंखों में परेशानी के आंसू ले ही आती है। अब देखते हैं कि जो जेठालाल के साले सुंदर है, उनका ये जो दोस्त है बका, वो बॉक्स में क्या लेके आया है। इस बॉक्स में टेंशन न हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एपिसोड में हंगामे तो हो लेकिन टेंशन की बरसात न हो। लेकिन एक चीज और, वो क्षेत्र जहां पे बरसात होनी चाहिए सचमुच और हमारे किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बरसात का, वहां जरूर बरसात हो। हंसी की बरसात की चिंता आप मत कीजिए, अगला एपिसोड देखेंगे और हंसेंगे मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।